हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त नाइक फिर से एक बार आपके लिए न्यू वीडियो लेके। तो आज की वीडियो का प्लान है लोअर बॉडी। लोअर बॉडी करने वाले आज वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट करने वाले, जिसके आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा। आपको बॉडी नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। आज लोअर बॉडी है, फिर आगे पुश पुल लेग्स भी आने वाला है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, मुझे मेरे चैनल का नाम रखना है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके क्या नाम रखना है। ये जो नाम है वही नाम से चलने दूँ मेरे नाम से। और मुझे 500 सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द सोचूंगा कुछ नाम रखने का, मेरे चैनल का नाम रखने का जल्द से जल्द सोचूंगा। और 1000 सब्सक्राइबर पे मैं एक इंट्रो रखूंगा अच्छा सा। अभी तक मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं हूँ इंट्रो के लिए। तो 1000 सब्सक्राइबर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, फैमिली में अपने शेयर करो फटाफट से। आज का है वर्कआउट शेड्यूलिंग का थर्ड एपिसोड है, लो बॉडी करने वाले हैं और साथ में एप्स को ट्रेन करेंगे, कोर ट्रेन करेंगे। तो चलते फटाफट से जिम में, मिलते हैं आपको जिम में। तो गाइस, जैसे कि अपन आ चुके हैं अभी जिम में, तो करते हैं आज का वर्कआउट स्टार्ट। आज है लोअर बॉडी वर्कआउट, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। और हम एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि आपको पिछला वीडियो आपने देखा होगा लोअर अपर बॉडी का, आज है लोअर बॉडी। तो आपको कैसा करना है, वीकली अल्टरनेटिव करना है। मतलब आपने वीक में समझो मंडे के दिन अपर बॉडी किया, तो ट्यूजडे आपको लोअर बॉडी करना है, और लोअर बॉडी के साथ आपको एब्स करना है, कोर भी करना है। तो लोअर बॉडी में ज़्यादा नहीं, 4-5 ही एक्सरसाइज है, उसके साथ तीन एक्सरसाइज है कुछ कोर के, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो लोअर बॉडी के साथ वो भी करना, तो चलते शुरू करते ये वीडियो। जैसे कि अपनी पहले एक्सरसाइज होने वाली है फ्री वेट स्क्वाट्स, तो मैं आपको बताता हूँ स्क्वाट्स कैसा करते हैं। जैसे आपने फुल बॉडी वर्कआउट में देखा होगा स्क्वाट्स किया, मैंने फ्री वेट्स वैसे ही करना है। 10 से 15 रिपीटेशन कर दो, दो सेट करना है इसके भी। और हाँ, वार्म अप का जो वीडियो है मैं आपको ट्राई करूँगा बनाने का, वार्म अप वीडियो बनाऊँगा मैं लास्ट में, वार्म अप और स्ट्रेचिंग दोनों साथ में वीडियो डालूंगा मैं। तो आप कमेंट करके बताना आपको चाहिए रहेगा तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वाट्स से। तो स्क्वाट्स में क्या करना है, सेम वैसे ही शोल्डर विथ स्टैंड लेना, थोड़ा सा टोज आउट रखना है, नीज टोज की लाइन में जाएंगे, लोअर बैक टाइट, चेस्ट अप, पूरा नीचे बैठना है, जितना हो सके उतना नीचे बैठना है। तो ये था स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स के आपको 15 रिपीटेशन करने हैं, दो सेट करने हैं। इसके बाद का अपना जो एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसा करना है। उसके भी लेग का अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा करना है। इसके भी आपको 15 रिपीटेशन करना है, दो सेट करो। उसके भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसा करना है। अब क्या करना है, इसके हिसाब से आपको नी आपका एडजस्ट करना है, मेरा सही है ठीक है, ये जॉइंट के हिसाब में। हाँ, अब वेट चेक कर लो, पूरा पीछे बैक आर्च, चेस्ट अप, too many thoughts to think deeply, too many thoughts to be sleeping, yeah, oh my god I'm not eating, I feel so empty, I'm ये अब इसमें क्या करना है, टोज आपको टाइट रखना है ठीक है। तो ये था अपना लेग एक्सटेंशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो लेग एक्सटेंशन के बाद अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लेग प्रेस। उसके भी आपको लेग प्रेस के भी आपको 10-15 रिपीटेशन करना है, दो सेट करना है। तो दिखाता हूँ लेग प्रेस कैसा करना है। तो लेग प्रेस में क्या करना है, आपको शोल्डर विथ स्टैंड रखना है, थोड़ा सा टोज आउट रहेगा ठीक है, लोअर बैक टाइट, यहाँ पे ग्रिप लेना है आपको, जहाँ पे आपका लेग प्रेस का नीचे ग्रिप रहेगा वहाँ पे रखना है। ये लॉक पे बहुत रोक रखते हैं ग्रिप, ये लॉक पे ग्रिप नहीं रखना है, नीचे आपको ग्रिप रखना है ठीक है। बस नीचे कितना आना है आपको, 90 डिग्री से थोड़ा नीचे। You better don't regret, and like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we just all been going crazy. ये थी अपनी लेग प्रेस की एक्सरसाइज।
उसके बाद की अपनी एक्सरसाइज है वो है लेग कर्ल। तो लेग कर्ल आपको बताते हैं कैसा होने वाला है। तो लेग प्रेस के बाद है अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है लेग कर्ल। लेग कर्ल का आपने देखा होगा अपर बॉडी वर्कआउट वीडियो में, तो उसमें कैसा आपको बताया हुआ एडजस्ट करने का ये, तो वो वर्कआउट वीडियो देख लेना। और फिर से आपको बता दो, ये जो जॉइंट है उस हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना है आपके नी, तो उस हिसाब से आपको सीट एडजस्ट करना है। अब इसमें भी आपको टोस टाइट रखना है, इसको लॉक करना है, ये हो गया लॉक, ठीक है, ताकि ये हैमस्ट्रिंग आपके उठना नहीं चाहिए। चेस्ट अप, ये एक्सरसाइज के भी आपको 15-15 रिपीटेशन करना है, दो सेट करना है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो होने वाला है काफ रेजेस, तो दिखाते हैं आपको काफ रेजेस कैसा करना है। अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है लेग कर्ल के बाद, वो होने वाला है काफ रेजेस। तो ये है अपना लास्ट एक्सरसाइज, तो बताता हूँ आपको काफ रेजेस कैसा करना है। आपको क्या करना है, आपको टोस पे खड़ा रहना है और आपको टोस के हेल्प से पूरी बॉडी ऊपर पुल करना है, पुश करना है ऊपर। Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change as you grow up. इसके भी आपको दो सेट करना है, 15-15 रिपीटेशन करना है। यहाँ पे अपना क्लास होता है लोअर बॉडी वर्कआउट। तो लोअर बॉडी वर्कआउट में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया स्क्वाट्स, फिर किया लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, लेग कर्ल और काफ रेजेस। बस ये पांच ही एक्सरसाइज करना है। इसके बाद अपने को करना है कोर ट्रेन, एब्स एक्सरसाइज करेंगे। अभी एब्स में भी तीन ही एक्सरसाइज है, पहला है क्रंचेस, लेग रेजेस और प्लैंक। तो बताता हूँ मैं आपको फटाफट से एब्स के एक्सरसाइज, ठीक है। अपना पहला एक्सरसाइज है एब्स एक्सरसाइज करना है, अभी एब्स के करना। तो एब्स में पहला एक्सरसाइज है क्रंचेस, तो मैं बताता हूँ आपको क्रंचेस कैसा करना है। आपको क्या करना है, ये नीज ऐसे रहना है, आपके पैर थोड़े बॉडी से क्लोज रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एल्बोज आपको थोड़ा बॉडी से क्लोज रखना है, एल्बोज क्लोज ही रहेगा बॉडी के। बस हाफ क्रंचेस करने हैं पहले। ये एक्सरसाइज के भी आपको 15-15 रिपीटेशन करना है, दो सेट करना है इसके भी। अब इसके बाद जो अपना एक्सरसाइज है वो होने वाला है लेग रेजेस, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको कैसा करना है। लेग रेजेस में आपको क्या करना है, आपको लेग सीधे रखने हैं पूरे, ठीक है, लेग सीधे रखना है। वो चिन थोड़ा सा ऐसा अप रहेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा ऊपर रहेगा, पूरा सा फ्लोर पे नहीं रखना है, ऊपर रखना है। और ये आपके जो हाथ है वो यहाँ पे जाएंगे हैमस्ट्रिंग के पास, ग्लूट्स के नीचे रहना चाहिए हाथ। Not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same. Grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Who are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. अभी इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम आ जाता है जब वो करते हैं, जो एजेड लोग रहते हैं जिनको बैक में प्रॉब्लम रहता है, हर जगह बैक वगैरह में प्रॉब्लम रहता है या नी में प्रॉब्लम रहता है, तो उन लोग क्या करते हैं, कर नहीं पाते एक्सरसाइज को। उनके लिए क्या करना है, आपको उनके लिए आपको ये क्रंचेस में रखना है, सेम ऐसा ही रखना है, ग्लूट्स के नीचे हाथ रह गए, ठीक है। आपको ये क्रंचेस के नीचे रखना है और आपको नीज से हो, नीज से ये करना है लेग रेजेस, नीज से करना है बस ऐसा। ठीक है, आपको ये नीज से करना है तो आपके बैक में ज्यादा आएगा नीज। अब इसके बाद आपको इसके भी आपको 15-15 रिपीटेशन करना है, दो सेट करना है। अब इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंक, और प्लैंक का कैसा करना है, आपको एक से वन मिनट के लिए आपको होल्ड करना है, दो सेट करना है इसके भी प्लैंक के। तो दिखाता हूँ आपको प्लैंक कैसा करना है। तो आपको बॉडी पूरी स्ट्रेट रखनी है, आपको पहले आपके एल्बोज पे आना है, बॉडी पूरी स्ट्रेट रखनी है।
stop you. Put your mind to it, nobody will drop you. All the way to the top, never stop you. Got one life to live, so see it right through. Who are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. तो ये आपको एक एक मिनट के आपको दो सेट्स करना है इसके भी, क्लाइंग के भी. तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, एब्स का वर्कआउट भी ख़त्म हो गया. तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे आज का वर्कआउट. तो इतना ही था लेग्स के. आप पहले लेग्स के 5 वेरिएशन है, उसके बाद कोर का ट्रेनिंग किया, उसके 3 है. तो कैसे यहाँ तक के था अपना आज का वीडियो. कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. यहाँ तक के अगर वीडियो देख लिया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है. तो आज हमने किया लोअर बॉडी और साथ में एब्स ट्रेन किया, कोर ट्रेन किया. तो इसके पहले वाला वीडियो था वो था अपर बॉडी का, और ये वर्कआउट शेड्यूलिंग एपिसोड 3 है. तो ये था लोअर बॉडी और एब्स के रिलेटेड. तो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कैसा लगा है. और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा होगा, वहाँ पे भी जाकर मुझे फॉलो कर देना, क्योंकि वीडियो के अपडेट आपको वहाँ पे ही मिलेगी कब आ रहा है. और ज़रूर से मेरे साथ बने रहे, मेरे को सब्सक्राइब करना. नाम रखना है मेरे चैनल का, तो फटाफट से आप 500 सब्सक्राइबर कर दो. आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, आपके जिम पार्टनर्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो. करो शेयर, करो फटाफट से शेयर करो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. टेक केयर, बाय बाय. That's right, I swear to God that I could drop it, bro.